हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डबल जोरो का। मैं संपत सिंह और ये है ब्रिजपाल जी सर। आज का हमारा जो घूमने का प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा खाटू श्याम जी। तो चलो आज हम चलते हैं खाटू नगरी। तो आज के व्लॉग में हम आपको दर्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे वहाँ फोटो खींचना वीडियो लेना अलाउ तो नहीं है, फिर भी आपको पूरी नगरी दिखाएंगे घुमाएंगे। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये रही हमारी मोटरसाइकिल, बाइक से जाने वाले हैं। ओके, जैसे आपको पता है हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जीण माता। जीण माता आप सभी जानते हो। तो यहाँ नीचे जो आप देख रहे हो ना, ये टिन सेट, ये मंदिर जो परिसर है वही है। सामने आप देख सकते हो पर्वत घाटियाँ जो है, यहाँ रास्ते में रुके हुए हैं। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगी हुई है। इधर जस्ट सामने भी ऊंचा डूंगर है और ये सड़क है। तो जीण माता का जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, तो वो आप देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों अब खाटू श्याम जी जो है मात्र यहाँ से 20 किलोमीटर है। अभी हम रेटा गांव में हैं, तो चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं इस वीरान सुनसान जंगल में और अभी हम गनोड़ा में, और खाटू श्याम जी है यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर। और ये ब्रिजपाल जी सर गाड़ी चलाते हुए, और ये इधर चारों ओर जंगल सा आगे सुनसान सा आगे पड़ा है। चलो चलते हैं आगे। हेलो गाइस, मैं संपत सिंह और हम पहुंच चुके हैं खाटू नगरी, बाबा खाटू श्याम की नगरी। और हमारे साथ है रमेश जी सर और ब्रिजपाल जी सर और मैं संपत सिंह। तो आज हम तीन लोग आए हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। और ये जो आप दरबार जो देख रहे हो, जो एक गेट देख रहे हो, ये काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ क्राउड देखो आप, बहुत ज़्यादा क्राउड है। लोग कोई रील बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो खिंचा रहा है। और सामने
तिरंगा बड़े शान से जो है वो लहरा रहा है। तो चलो सफ़र शुरू करते हैं आज का, आप भी आनंद लीजिए और चलो चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, जनता लगातार आती जा रही है। भक्तगण जो है वो लाखों भक्तगण यहाँ प्रतिवर्ष पहुँचते हैं और श्री श्याम जो है कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं, जो सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये देखो बड़ा शानदार दृश्य, तिरंगा लहराता हुआ और श्याम दरबार। हेलो व्यूअर्स, मैं रमेश कुमावत। आज आप आए हो खाटू दरबार में। ये जो गेट आप देख रहे हो श्री श्याम गेट, ये हमारे पूरे भारत में प्रसिद्ध गेट है और ज़्यादातर जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर रुक करके काफ़ी मतलब आनंद उठाते हैं। यहाँ कैमल ऊँट वगैरह हैं, उनकी सवारी करते हैं और काफ़ी यहाँ सेल्फी वगैरह लेकर के मनोरंजन करते हैं। भारत के अलग अलग शहरों से, अलग अलग कोने से यहाँ लोग पहुँचते हैं और श्याम दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इससे इस गेट से थोड़ी दूरी पे, लगभग 500 मीटर दूरी पर मंदिर स्थित है और मंदिर के आसपास काफ़ी दुकानें लगी हुई है और एक तरह से मेला सा प्रतीत होता है। ये आप देख रहे हो काफ़ी लोग यहाँ पर कैमल की ऊँट की सवारी कर रहे हैं और हर दिन उत्सव के समान यहाँ पे रहता है। पास में आप दुकानें देख रहे हो जहाँ पर बाबा श्याम के झंडे वितरित होते हैं और लोग जो है बाबा के निशान लेकर के बाबा के चढ़ाने के लिए आते हैं। एक मनोकामना होती है श्रद्धालुओं की, वो ये झंडे चढ़ा करके वो पूरी करने के लिए उनसे मन्नत मांगते हैं और उसके बाद जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो फिर बाबा के सर ये खाटू नगरी के अंदर दोबारा वो पहुंचते हैं। ये आगे आप देख रहे हो राजस्थान रोडवेज की बसें यहाँ पर श्रद्धालुओं को लेकर के आती हैं और काफ़ी भीड़ का दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो गेट है ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है हमारे राजस्थान में और काफ़ी लोग यहाँ पर इस गेट पर रुक करके आनंद उठाते हैं। ये जो खाटू नगरी है, इसके जो खाटू श्याम भगवान है वो बर्बरिक के नाम से जाने जाते हैं और महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे वरदान मांगा था और उनका शीश जो है वो दान में मांग लिया था, क्योंकि उनके पास तीन बाण थे और उन तीन बाण से वो पूरा महाभारत का युद्ध जो है वो पलट सकते थे। इस कारण से जो भगवान श्री कृष्ण वो चिंतित हुए और चिंतित होकर के वो वीर बर्बरिक के पास पहुँचे और वीर बर्बरिक उन्हें गुरु का दर्जा देते थे, तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा। तो वीर बर्बरिक ने कहा कि आप भगवान जो भी मांगोगे मैं शहर से स्वीकार करूँगा और मैं आपको दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश दान में मांगा था, तो उन्होंने अपना शीश है वो दान में दिया था। और पुरातन कहानियों के अनुसार ये माना जाता है कि इस नगरी के अंदर शीश जो है वो गिरा था, वीर बर्बरिक का शीश यहाँ पे गिरा था, इस वजह से यहाँ एक मंदिर स्थापित कर दिया गया जिसे खाटू श्याम नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वीर बर्बरिक में इतनी सामर्थ्य थी कि उनके तीन बाणों में कि वो पूरे महाभारत का युद्ध पलट सकते थे, इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा था। तो इस नगरी में उनका शीश गिर गया था जिसकी वजह से इसे खाटू श्याम नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये नारे लगते रहते हैं, लखदातार उन्हें बोला जाता है, इसकी वजह से भक्तगण जो है वो लखदातार की जय नारे लगाते रहते हैं। तीन बाणधारी इनको बोला जाता है और इसी वजह से यहाँ इनके नारे जो है वो आपको सुनाई देते हैं भक्तगणों के मुंह से।
ढोल।